तो स्वागत है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग सेल एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं एंड इस एप्लीकेशन पे आप लोग अपना न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक इनके तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही गाइस बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन सब आप तक पहुंच सके। तो गाइस आप बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंपल से यहाँ पर मैं स्वेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुका हूँ, देन यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का यहाँ पर शो हो जाएगा। तो गाइस ये एप्लीकेशन जब तक रीलोड ले रहा है तब तक यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद गाइस यहाँ पर जो अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आ जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में आप लोग अपना फोन नंबर से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ पर सेकेंड नंबर में आप लोग अपने जीमेल से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली से मैं अपना जीमेल से अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, यानी कि गूगल से अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं साइन इन विद गूगल और ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, देन इस पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ। तो फिर से यहाँ पर कुछ टाइम तक रीलोडिंग लेना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग अपने फोन में अकाउंट क्रिएट किए रहेंगे यानी कि जीमेल यूज कर रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको अपने किसी एक जीमेल से अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपल से यहाँ पर उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से कुछ इस प्रकार का रीलोडिंग लेना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक रीलोडिंग ले रहा है तब तक आपको वेट कर लेना है। अब वेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका यूजर नाम आ जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना यूजर नाम इंटर करना होता है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना यूजर नाम इंटर कर देता हूँ। तो गाइस यूजर नाम आपको यहाँ पर यूनिक इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना यूनिक यूजर नाम इंटर कर चुका हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, यानी कि आप लोगों का जो अपना थीम है थीम चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइट एंड डार्क कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लाइट करके अप्लाई कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस उसके बाद यहाँ पर अपना जो लैंग्वेज है लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ आप लोगों को अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हिंदी कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आप लोग जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए बुक्स एंड यहाँ पर इंप्रेशन एंड फैमिली रिलेशन एंड उसके बाद आस्क स्वेल एंड उसके बाद यहाँ पर जस्ट फॉर फन एंड उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल मैनेज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं कुछ करने वाला हूँ, बैक कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपने हिसाब से अपने बारे में अपना बायो लिख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड योर सेल्फ, यहाँ पर आप लोग अपना वॉइस के थ्रू अपना जो नाम है यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों को अपना जो नाम है इंटर करना है। तो फिलहाल इसको भी मैं बैक कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ इस प्रकार का रीलोडिंग लेना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से डन कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ इस प्रकार का रीलोडिंग लेना शुरू हो जाएगा। तो जब तक यहाँ रीलोडिंग रहता तो आपको वेट कर लेना है। अब वेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग स्वेल एप्लीकेशन के होम पेज में इंटर कर जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग फुल यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूँ। तो इस एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कि लाइक करें एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।